एवरीवन मैसेज लिख के बता दो। मैसेज लिख के बता दो यहाँ पे, एम आई प्रॉपरली ऑडिबल टू एवरीवन? चलो गुड, अभी हमने नया चैप्टर स्टार्ट करना है। तो नए चैप्टर में क्या आएगा अपने पास? सिंपल है, बहुत इजी है, 3-4 दिन का चैप्टर है, बट हाँ इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग है और इजी है। इसको आराम से कर सकते हो आप सभी के सभी, ठीक है? तो अपने पास बनता है, चैप्टर का नेम है 2C है, बुक की लैंग्वेज से दिस इज 2C, दैट इज हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट, ठीक है? दिस इज अ नेम ऑफ अ चैप्टर, दैट इज हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो जब किसी वायर से करंट पास करता है तो उससे हीट जनरेट होती है, दैट्स इट। तो यही इसकी एप्लीकेशन है, यही इसका यूज है। तो अपने पास क्या बनेगा? सबसे पहले तो इसका जो नेम है वही इसकी डेफिनेशन है। तो फर्स्ट में आएगा हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट, लिखते रहो आप हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट। नोट्स की बात करते हो, जो यहाँ पे मैं लिखवाता हूँ नोट्स वाली सारी चीजें होती हैं, ठीक है? तो आपको रिटर्न में पीडीएफ की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्लास में अभी सारा कुछ हो जाता है। पोस्ट मूवमेंट पे थी जब क्लास में कुछ चीजें हम आगे पीछे डिस्कस करते थे, तो अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है? तो हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट में क्या होगा? व्हेन ए करंट पासेस थ्रू अ वायर, when a current passes through a wire, it gets heated up and this effect is called heating effect of current. बहुत simple है। तो basically इसका meaning समझ लो, क्यों होता है? यहाँ पे देखो, जब हम लेट से ये एक कंडक्टर है जिसके ऊपर क्या है अपने पास एटम्स की लेयर है, यही होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो मेटल्स होती हैं, कंडक्टर्स होते हैं, उसमें अपने पास क्या होता है? तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सभी को विजिबल हो रहा है, वैसे भी पता ही है, पहले डिस्कस किया हुआ वही चीजें। जब हम इससे करंट पास करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, आगे को पुश होंगे। जब इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को टक्कर मारेगा, तो ये वाला नेक्स्ट वाले को टक्कर मारेगा, तो इस फॉर्मेट से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे मूव करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो उनके स्ट्राइकिंग की वजह से, ड्यू टू स्ट्राइकिंग की वजह से, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, हीट जनरेट होगी। तो उसको क्या बोलेंगे हम, हीट जनरेटेड बाय करंट पासिंग। मतलब जब करंट पास करेगा तो इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेंगे, किसके साथ स्ट्राइक करेगा इलेक्ट्रॉन? विद देयर पेरेंट एटम एंड द अदर इलेक्ट्रॉन्स, विद देयर पेरेंट एटम एंड अदर इलेक्ट्रॉन के साथ वो स्ट्राइक करेगा। जब स्ट्राइक करेगा तो हीट जनरेट होगी, वही हीट विल बी द रीजन फॉर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, वही हीट जो होगी करंट की वजह से जनरेट होगी। तो स्टेटमेंट लिख लो, हेडिंग है कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट। तो इसका कॉज क्या है हीटिंग इफेक्ट का? कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट में क्या आएगा, व्हेन करंट आई फ्लोस थ्रू, सिंपल सा चैप्टर, इंटरेस्टिंग है, सुनते रहो लिखते रहो, थ्रू अ वायर, इट मींस इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन इट इन अ डायरेक्शन, it means electrons are moving in it in a direction opposite to the current. तो electrons क्या हमेशा move करते हैं, opposite direction में move करते हैं, ठीक है? These electrons continuously क्या करेंगे, strike with other electrons and atoms. तो other atoms on electrons के साथ वो क्या करेंगे, strike करेंगे।
जब स्ट्राइक करेंगे तो क्या होगा, वहां पे जनरेट होगी, हीट जनरेट होगी, वही इसका रीजन होगा, ठीक है। दिस काइनेटिक एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी है, दिस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड, दिस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड टू द एटम विच अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ हीट, दैट्स इट। तो हुआ क्या, जो वाली डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा उसके ऑपोजिट इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन जहां पे फ्लो करेगा स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक करेगा क्या जनरेट करेगा, हीट जनरेट करेगा। सिंपल, इजी, क्लियर सभी को, ठीक है। तो नोट करते रहो साथ साथ में, इसमें कुछ खास है नहीं वैसे। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बनता अपने पास इसका मैथमेटिकल फॉर्मेट। मैथमेटिकल फॉर्मेट की हेडिंग क्या अपने पास, जाउल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो मैथमेटिकल फॉर्मेट क्या अपने पास, जाउल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो जाउल्स लॉ क्या होता है, पहली फॉर्मूला देख लो, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है, ठीक है। इसी फॉर्मूले को हम यहां पे क्या करेंगे, सिंपल सी डेरिवेशन होगी डायमेंशंस के बेस पे, आप देखते रहो। तो सिंपल है, कुछ खास नहीं है, एक वायर है उसमें रेजिस्टेंस आर है, करंट आई फ्लो कर रहा है उससे, तो क्या बनेगा, अकॉर्डिंग टू जाउल्स लॉ ऑफ हीटिंग According to Joule's law of heating, heat produced in a wire is directly proportional to current, that is uska square hai, square of current, comma रेजिस्टेंस जो फॉर्मूले में दिख रहा है, एंड टाइम फॉर विच करंट आई इज पास्ड थ्रू इट। क्लियर सभी को, ठीक है। सिंपल है, एच किसके प्रोपोर्शनल है, सबसे पहले होगा आई स्केयर के, इसको मार्क करेंगे फर्स्ट इक्वेशन। तो बस आ गया अपने पास आई स्केयर, सभी को विजिबल है। फिर एच होगा अपने पास रेजिस्टेंस के, सेकंड इक्वेशन एच किसके प्रोपोर्शनल होगा, टी के, दिस इज थर्ड इक्वेशन। तीनों को कंबाइनिंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन, तीनों को कंबाइन कर देते हैं, व्हाट वी विल गेट, एच इज प्रोपोर्शनल टू आई स्केयर आर टी। Yes, जब इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से स्ट्राइक करते हैं तो उस मोमेंट पे वाइब्रेशन भी होती है, उस वाइब्रेशन की वजह से ही हीट जनरेट होती है। तो दो चीजें होती हैं, स्ट्राइकिंग होती है, वाइब्रेशन होती है। तो उस मोमेंट पे क्या होता है अपने पास, नॉर्मली जो वाइब्रेशन का लॉजिक होता है, ध्यान से देखो यहाँ पे सभी के लिए, ठीक है। जब अपने पास एटम होता है, जब इसको हीट करते हैं, हीट करने से ये वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। तो हीट करने से वाइब्रेट करते हैं, जब हमारे पास करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा, फिर भी ये क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। क्यों वाइब्रेट करेंगे, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एक दूसरे से स्ट्राइक करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होगा, एक पुश डेवलप होगा, जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट बोलते थे। तो बैटरी की टर्मिनल्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स पुश होकर टक्कर मारेंगे एटम्स के साथ एंड इलेक्ट्रॉन्स के साथ। जब एक दूसरे से स्ट्राइक करेंगे तो वो क्या होगा, उनकी हीट जनरेट होगी, ठीक है। तो अपने पास ये फॉर्मूला बन गया, कौन सी वाली हीट जनरेट होगी, आई स्क्वायर आर टी वाली, क्लियर। तो इसमें प्रोपोर्शनैलिटी को अगर रिमूव करते हैं तो अपने पास क्या बनेगा, एच इज इक्वल टू के आई स्क्वायर आर टी। के क्या है यहाँ पे, हियर के इज कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, एंड के की वैल्यू क्या बनेगी अपने पास, वन,
ऐसे धक्के से किया हुआ और कुछ नहीं। तो एच का फॉर्मूला क्या बनता है, आई स्क्वायर आर। ये 3 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, फॉर 3 मार्क्स। तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, सिंपल सा ये आसानी से आप समझ सकते हो, ठीक है। तो यही क्या अपने पास जाउल्स लॉ ऑफ हीटिंग है, विच इज जाउल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्लियर? डायग्राम देख लो, यही पे ड्रॉ कर रहा हूं। ये अपने पास एटम है, इलेक्ट्रॉन जो है जब यहां से पुश होगा तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे दूसरे के साथ, दूसरा इलेक्ट्रॉन तीसरे के साथ स्ट्राइक करेगा, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। करंट कहां से मूव करेगा, फ्रॉम लाइट राइट टू लेफ्ट, इलेक्ट्रॉन का मोशन उसके ऑपोजिट होता है। क्लियर? तो ये अपना हो गया जाउल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अपने पास आता है प्रूफ ऑफ जाउल्स लॉ, सिंपल है, इजी है, बट इंपॉर्टेंट है, ये आपने ध्यान में रखना है। आज मेरे पास जो माइक मैं यूज कर रहा हूं उसमें ईयरफोन नहीं है, तो आप लिख सकते हो, बोलो तो मैं दूसरा वाला माइक्रोफोन यूज करता हूं, इसमें ईयरफोन भी है। तो प्रूफ ऑफ जाउल्स लॉ है, बहुत सिंपल है, रेजिस्टेंस आर है, बैटरी की वोल्टेज वी है, करंट कितना फ्लो कर रहा है, दैट इज आई, ठीक है। डायग्राम ड्रॉ कर लो, तो देख लो क्या क्या लिखना है इसमें, होगी डायग्राम सभी ना। तो कंसीडर अ रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ वोल्टेज बी, जो हमने डायग्राम में शो किया है, करंट आई फ्लोस थ्रू द रेजिस्टर आर, सो अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज थ्रू, लेंथ ही है इसकी वर्डिंग, है कुछ नहीं इसमें, दैट फ्लोज थ्रू रेजिस्टर आर इज, तो कितना फ्लो करेगा अपने पास, क्यू इज इक्वल टू आई टी। पता है सभी को आई का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बाई टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा, क्यू इज इक्वल टू आई टाइम टी, ठीक है, सिंपल। तो अपने पास चार्ज आ गया, चार्ज के बाद क्या निकालेंगे, वर्क डन निकालेंगे। तो कितना वर्क डन होगा बाय द बैटरी जो चार्ज क्यू को सेंड करेगी रेजिस्टर में, ठीक है। तो अपने पास वर्डिंग क्या बनेगी, वर्क डन बाय द बैटरी इन सेंडिंग चार्ज क्यू थ्रू द रेजिस्टर इज, तो रेजिस्टर आर से कितना वर्क डन लगेगा अगर हमने चार्ज क्यू को भेजना है। तो बाय डेफिनेशन अपने पास पोटेंशियल क्या होता है, इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन किसके इक्वल बन जाएगा, इट इज वोल्टेज इनटू चार्ज। क्लियर?
ये बार बार आप बाहर क्यों निकल रहे हो? सेम सेम बच्चों की बार बार रिक्वेस्ट आती है ज्वाइनिंग के लिए, क्यों, चक्कर क्या है? तो वर्क डन किसके इक्वल होएगा? दैट इज वी इंटू क्यू। बहुत सिंपल है, अभी तो कुछ बचा ही नहीं, ध्यान से देखो। अपने पास वर्क डन कितना बना? दैट इज वी इंटू क्यू, यही बना। क्यू का फॉर्मूला क्या है? आई टी, ये वाला फॉर्मूला ऊपर जो दिया हुआ है। तो वर्क डन कितना बन गया? वी आई टी। ठीक है, अभी ये जो फॉर्मूला बना है, ये जनरलाइज फॉर्मूला बने, ये वाला। इसमें हमने क्या करना है, ध्यान से देखो। इसमें अपने पास दो पॉसिबिलिटीज हैं। वी इज इक्वल टू आई आर होता है। अगर हमें वी को रिप्लेस कर दूं तो वर्क डन कितना बनेगा? आई आर, वी की जगह पे लिख रहा हूं आई टी, तो क्या बन गया? आई स्क्वायर आर टी। तो एक बात सुनो, 10 मिनट के बाद ये वीडियो बंद होएगी, ठीक है? जब वीडियो बंद होएगी मैं उसी मोमेंट पे दोबारा स्टार्ट करके ग्रुप में डालूंगा, तो अपना कनेक्ट कर लेना साथ में। तो वर्क डन का फॉर्मूला बन गया आई स्क्वायर आर टी। तो दूसरा होता है वी इज इक्वल टू, नोट करते रहो साथ में, आई आर। यहां पे हमने क्या करना है? हमने आई को रिप्लेस करना है, तो आई का फॉर्मूला क्या बना? वी बाय आर, जो इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। जैसे ये पर्टिकुलर वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट किया था हमने, वैसे ही आई को गायब करेंगे। तो वर्क डन कितना आएगा? वी आई की जगह पे वी बाय आर इंटू टी, तो कितना बन गया? वी स्क्वेयर डिवाइड बाय आर इंटू टी। तो अपने पास वर्क डन की ये वैल्यू बनती है। तो तीन फॉर्मूलाज बन गए, वी हैव थ्री फॉर्मूलाज कंटिन्यूटी में, वी स्क्वेयर बाय आर टी, आई स्क्वेयर इंटू आर टी एंड वी आई टी। ठीक है, तीन इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है आई स्क्वेयर आर टी, दैट इज जाउल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्लियर सभी को? अपने पास जनरलाइज क्या बनेगा? जनरलाइज वर्क डन का फॉर्मूला बनेगा, दिस इज वी आई टी आई स्क्वेयर आर टी एंड वी स्क्वेयर डिवाइड बाय आर इंटू टी। ये तीनों चीजें बनेगी। अगर अपने पास आई स्क्वेयर है तो टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, अगर अपने पास वी स्क्वेयर है तो रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो, और आई स्क्वेयर है तो रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो। ये अपने पास जनरलाइज इक्वेशन बन गई है। क्लियर सभी को? कैसे डेरिवेशन की? कुछ खास नहीं है, बहुत सिंपल है। इसको दो लाइंस में भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, अगर दो लाइंस में करना है, बाय डेफिनेशन करंट किसके इक्वल होता है? चार्ज पर यूनिट टाइम। तो चार्ज किसके इक्वल होगा? करंट इनटू टाइम। बाय डेफिनेशन वोल्टेज किसके इक्वल होता है? वर्क पर यूनिट चार्ज। तो वर्क किसके इक्वल होगा? वोल्टेज इनटू चार्ज। वोल्टेज की वैल्यू को छोड़ के चार्ज की वैल्यू पुट करते हैं आई टी, तो अपने पास इक्वेशन आ गई। फिर वी इज इक्वल टू आई आर, आई आर लगा लो, अपने पास आएगा आई स्केयर आर टी एंड वी स्केयर डिवाइड बाई आर टी। क्लियर सभी को? नोट करो, बताओ मेरे को नोट करके। सिंपल है, इसमें कुछ खास समझने वाला नहीं है। गुड हरजोत, एंड वैसे ये जो अकाउंट जनाब साहब का, इसका आप नाम भी बता दो मेरे बच्चे मेरे को। प्रथम आया आज क्लास में, अभी तो आ गया था आज। मेरे पास ईयरफोन नहीं है तो मेरे को अभी सुनेगा नहीं, आपको यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा। प्रथम ही है, चलो गुड। नोट हो गया सभी का? क्लियर? आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपने सभी ने नोट कर लिया। तो सिंपल है, इसमें कुछ खास है नहीं वैसे समझने वाला। तो देख लो, इसके बाद अपने पास टॉपिक क्या बनता है? इसके बाद अपने पास बनता है इलेक्ट्रिक पावर। सिंपल है, बहुत इजी है। वी हैव इलेक्ट्रिक पावर, और जो बंदे रेगुलर नहीं हो रहे क्लास में, उनको अगर आप आपसे उनकी बात होती है तो उनको बोल दो भाई रेगुलर हो जाओ। बोर्ड वाला अभी क्या बोलूं मैं, इंटरनेट के कनेक्शन की स्पीड का चक्कर होता है। यहाँ पे आपको समझने में कोई प्रॉब्लम है ये बताओ मेरे को। तो इलेक्ट्रिक पावर है, सिंबल होएगा पी। तो पावर का मतलब क्या होता है?
रेट ऑफ वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या होता है अपने पास इलेक्ट्रिक पावर। तो कितना वर्क डन पर यूनिट टाइम में परफॉर्म हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, पावर। बट यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है इलेक्ट्रिक पावर, तो इलेक्ट्रिक पावर के लिए हमने क्या मेंटेन करना है सर्किट में, करंट को। ठीक है, स्टेटमेंट लिख लो, रेट ऑफ वर्क डन बाय बैटरी, DW का मतलब है रेट ऑफ वर्क डन बाय द बैटरी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, इन मेंटेनिंग द कॉन्स्टेंट करंट इन द सर्किट, द कॉन्स्टेंट करंट इन द सर्किट इज कॉल्ड पावर। सिंपल, तो पावर का फॉर्मूला क्या बनेगा, DW बाई DT अभी लिखा था। तो अपने पास क्या आएगा, जहां पे अपने पास वर्क का फॉर्मूला था उसमें से टाइम गायब कर दो, तो ऊपर में देखो तो टाइम गायब किया ये बन गया वी आई, ऊपर से टाइम गायब किया ये बन गया आई स्केयर आर, ऊपर से टाइम गायब कर दिया ये बन गया वी स्केयर बाय आर। तो ये अपने पास फॉर्मूला बन गया फॉर द पावर विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। तो वर्क डन एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, टाइम के ऊपर, पावर जो है टाइम से इंडिपेंडेंट होगा। क्लियर सभी को, नोट कर लो। क्लियर सभी को, ठीक है। तो अपने पास यूनिट्स क्या आएंगे, यूनिट्स ऑफ पावर, तो यूनिट्स ऑफ पावर क्या बनेंगे अपने पास, वॉट, सिंबल क्या आएगा W, और किलो वॉट सिंबल KW। कृति आज प्रेजेंट है क्लास में, कीर्ति गायब है आज क्लास में। तो अपने पास इसके यूनिट्स होंगे वॉट, पर प्रेफरेबली हम कौन से यूज करेंगे, किलो वॉट। तो सेकंड टर्म बनती है अपने पास इलेक्ट्रिक एनर्जी, जितनी इलेक्ट्रिसिटी हम कंज्यूम करते हैं, जो हम इलेक्ट्रिसिटी का बिल देते हैं वो किस फॉर्मेट में होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ठीक है, तो अपने पास इसके यूनिट्स होते हैं किलो वॉट आवर, जिसको हम बोलते हैं वन यूनिट। इसको जनरली कितना बोलते हैं हम, किलो वॉट आवर, जिसको हम बोलते हैं वन यूनिट। तो ये क्या होगा अपने पास, टाइम से मल्टीप्लाई कर दो पावर को, तो वो वर्क डन है, जितना वर्क डन होगा वही अपने पास इलेक्ट्रिक एनर्जी है। ठीक है, स्टेटमेंट सेम है जो ऊपर लिखी हुई है, ध्यान से देखो, वर्क डन बाय बैटरी इन मेंटेनिंग द करंट आई इन द सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी। सिंपल, वर्क डन बाय द बैटरी इन मेंटेनिंग कॉन्स्टेंट करंट इन द सर्किट, कॉन्स्टेंट करंट इन द सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी। सिंपल, तो जो अपने पास हीट जनरेटेड का फॉर्मूला है, जो अपने पास वर्क डन का फॉर्मूला है, वही अपने पास किसका फॉर्मूला आएगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी का। तो कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो इसके यूनिट्स क्या आएंगे, तो एनर्जी के यूनिट्स क्या होते हैं, सबसे बेसिक यूनिट्स होते हैं जाउल्स। ठीक है, और दूसरे यूनिट्स क्या बन सकते हैं अपने पास, दूसरे यूनिट होते हैं अपने पास वन यूनिट ऑफ कमर्शियल यूनिट, वो होता है वन किलो वॉट आवर। ये याद रखना है आपने, क्योंकि अपने काफी सारे क्वेश्चंस में ये चीजें आएंगी ही आएंगी। लिखते रहो आप साथ साथ में, चीजें सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है इसमें। तो वन किलो वॉट आवर कितने जाउल्स के इक्वल होगा, किलो का मतलब होता है 1000, आवर में कितने सेकेंड होते हैं 3600, तो ये बनेगा इतना जाउल, तो बनेगा 3.6 × 10⁶ जाउल। तो ये कमर्शियल यूनिट में, मतलब 1 किलोवाट आवर में कितने जाउल होते हैं, 3.6 × 10⁶ जाउल। इसको याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, फॉर्मूला आपको पता नहीं चाहिए, दैट्स इट, आपका बहुत इजीली हो जाएगा। क्लियर सभी का, साथ साथ में नोट कर रहे हो।
तो इसके बाद तो अपने काफी हद तक क्वेश्चन ही आएंगे, काफी हद तक मतलब काफी हद तक क्वेश्चन होंगे, थोड़ी बहुत ही थ्योरी होगी और चैप्टर फिनिश हो जाएगा अपना। ये 3 या 4 दिन की चैप्टर आराम से खत्म हो जाएगा। रोजर नोट कर लो, नोट्स तो मैं भेज देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे, आप यहाँ पे नोट कर लिया करो, ठीक है। तो थोड़ा स्लो कर देता हूँ मैं, और साथ में अभी मेरे को वीडियो क्या करनी पड़ेगी, रिपीट करनी पड़ेगी दोबारा, ये इसका 40 मिनट्स का कोई है काउंटर सा, ठीक है। तो मैं इसको बंद करके दोबारा चला रहा हूँ, अदरवाइज अपने आप ही बंद हो जाएगी। इतने आप नोट कर लो, ठीक है, बाकी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं आप नोट कर लो सारा, जिस जिसका पेंडिंग है नोट कर लो अपना। ये रुपिंदर कौन है? रुपिंदर 1980@yahoo.com। ये एक्स वाई जेड कौन है? अभी जो जो का पेंडिंग है लिखने वाला वो नोट कर लो, ठीक है, अगर कुछ पेंडिंग है नोट करने वाला, फिर हम इसके क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। चलो अभी नेक्स्ट वाला देख लो,
नेक्स्ट वाला अपने पास क्वेश्चन ही है, तो ध्यान से समझो। तो अपने पास है बेसिक क्वेश्चन है, 1 ओम 2 ओम 3 ओम रेजिस्टर है, उसको कनेक्ट कर दिया हमने 12 वोल्ट की बैटरी से। ठीक है, हमने फाइंड करना है कैलकुलेट हीट प्रोड्यूस्ड इन 2 ओम रेजिस्टेंस। आपको डिफरेंस भी पता लगेगा, 2 ओम क्या, हम 1 2 3 कर देते हैं, ठीक है, सिंपल हो जाएगा। विल राइट इट एज इन 1 ओम 2 ओम एंड 3 ओम रेजिस्टेंस। बहुत इजी फॉर्मूले हैं इसके, कुछ खास नहीं है। बेसिकली फॉर्मूला जो याद रखना है वाई स्केयर आर टी एंड वी स्केयर बाय आर टी वाले ही माइंड में रखने हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या है अपने पास, एच इज इक्वल टू आई स्केयर आर टी, वी आई टी की तो रिक्वायरमेंट भी बनेगी, वी स्केयर बाय आर टी, ये वाला बेसिक फॉर्मूला आपने याद रखना है। अगर पावर लेनी है तो टाइम नहीं होना चाहिए, अगर हीट लेनी है तो उसमें टाइम को इंक्लूड करना है, सिंपल है, कुछ खास नहीं है इसमें। तो 1 और 2 सबसे पहले तीनों आपस में क्या है, सेम सीरीज में है, सीरीज में है तो फ्लो सेम चलेगा, फ्लो सेम चलेगा मतलब करंट सेम चलेगा। तो रेजिस्टेंस नेट कितनी हो जाएगी सीरीज में, इट वुड बी 1 प्लस 2 प्लस 3, कितना आएगा 6 ओम। तो अगर इसकी डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो 6 ओम की रेजिस्टेंस होगी नेट, और सेल का 12 वोल्ट की बैटरी है, तो अपने पास क्या बनेगा, 12 इज इक्वल टू V is equal to I R, ध्यान से समझना, V 12 is equal to I into 6, तो I की वैल्यू कितनी बनेगी, this is 2 ampere, तो करंट कितना पास करेगा सर्किट में से, that is 2 ampere, क्वेश्चन नोट कर लिया सभी ने। ठीक है, तो करंट कितना आ गया अपने पास सर्किट में, 2 ampere। अगर करंट 2 एम्पेयर है अपने पास तो 1 ओम 2 ओम 3 ओम तीनों सीरीज में है, अगर करंट सेम है तो 1 ओम के क्रॉस कितनी हीट जनरेट होगी, दैट विल बी आई स्क्वायर आर टी, बिकॉज करंट सेम है, तो करंट कितना है 1 स्क्वायर, रेजिस्टेंस कितनी है 1। ठीक है, और उसने पूछा है टाइम के बारे में, बोला यस क्वेश्चन में था पर सेकेंड, उसने पूछा हुआ है हीट प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड, मतलब पावर भी बोल सकते हैं बट इसको हम हीट भी बोल सकते हैं, पर सेकेंड का मतलब 1 सेकेंड, तो कितना बन गया 1 जूल, तो उसने 1 ओम से कितनी हीट जनरेट की, दैट इज 1 जूल। फिर आता है अपने पास हीट जनरेटेड इन 2 ओम, तो क्या बनेगा आई स्क्वायर आर टी, ध्यान में क्या रखना है ये फॉर्मूला क्यों चूज कर रहे हैं, बिकॉज सर्किट इज इन सीरीज, क्या बनेगा आई स्क्वायर 2 into t, तो कितना बनेगा, टी की वैल्यू 1 ले देते हैं, इट वुड बी 2 जूल। सुखजीत है अभी मेरे हिसाब से गायब हो गया है अभी, चलो कोई बात नहीं। तो हीट जनरेट 3 ओम कितना आएगा, दैट इज आई स्क्वायर आर टी, क्यों फॉर्मूला बार बार लिख रहा हूँ, बिकॉज यही फॉर्मूला अपना यूज होना है सीरीज सर्किट में, तो 3 जूल। तो अपने पास टोटल हीट कितनी जनरेट होगी, टोटल हीट कितनी जनरेट हुई, इट इज 1 प्लस 2 प्लस 3, दिस इज 6 जूल, नोट कर लो सभी। हो गया नोट, सिंपल स्टेप है, आई डोंट थिंक सो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन होनी चाहिए, बहुत बेसिक सा स्टेप है, इजीली एक्सप्लेनेबल है, इजीली अंडरस्टैंडेबल है। तो इसी क्वेश्चन को हम पहले हमने सीरीज में रखा, उसके बाद हम किस में रखेंगे, 1 ओम 2 ओम एंड 3 ओम, तीनों को कनेक्ट कर दिया 12 वोल्ट बैटरी से, सेकंड पार्ट है क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है, पहले में क्या किया था हमने सीरीज में रखा था, अभी क्या कर दिया पैरेलल में कर दिया, पैरेलल में कौन सी चीज सेम होती है, यहाँ पे भी सेम फाइंड करना है, पैरेलल में अपने पास कौन सी चीज सेम होती है, वोल्टेज, सीरीज में कौन सी चीज सेम थी, करंट, करंट सेम होता है तो फॉर्मूला लगेगा आई स्क्वायर आर टी, वोल्टेज सेम होगी तो फॉर्मूला लगेगा
वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर टी, ठीक है, ये फॉर्मूला होगा, या फिर पावर का फॉर्मूला हो जाएगा वी स्क्वायर बाय आर। क्लियर सभी को? ठीक है, मतलब टाइम को गायब कर देंगे तो अपने पास क्या आएगा, पावर आ जाएगी। टाइम को इंक्लूड करेंगे अपने पास आएगा हीट आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी। सिंपल है, देखते रहो। अभी तीनों के क्रॉस वोल्टेज क्या है, 12 वोल्ट 12 वोल्ट 12 वोल्ट, ठीक है। तो हीट जनरेटेड अक्रॉस 1 ओम, हीट जनरेटेड अक्रॉस 2 ओम, हीट जनरेटेड अक्रॉस 3 ओम फॉर 1 सेकेंड, तीनों में 1 सेकेंड के लिए। तो इसमें क्या आएगा, वी स्केयर बाय आर, टी लेना है ले लो, 1 सेकेंड ही लेना है। तो वोल्टेज कितनी है, 12 स्केयर बाय, वैसे पिछले क्वेश्चन में गड़बड़ कर गया आपने, किसी ने बोला नहीं, तो मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे 6 वोल्ट की बैटरी है। किसी ने भी नहीं बोला कि हाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, करंट 2 एम्पेयर आ रहा था, बट कितना मार्क किया हुआ था, मतलब क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे सॉल्यूशन में कितना ले लिया, 1 ले लिया। तो यहाँ पे मैं चेंज इसलिए कर रहा हूँ कि मिनिमम मेरे को रिप्लेसमेंट करनी पड़े, जैसे ये चीज गायब कर दी, तो अपने पास क्या आएगा, 6 वोल्ट की बैटरी, 6 ओम की रेजिस्टेंस, तो करंट 1 एम्पेयर आ गया। यहाँ पे फिर 6 ओम ही करते हैं, यहाँ पे अपना बनेगा 6 ओम कर लेते हैं, 6 वोल्ट है 6 ओम था, ठीक है। तो 12 की जगह पे वी हैव टू रिप्लेस विद 6, तो क्या बनेगा ये, 6 स्क्वायर बाय 1 इनटू 1, तो कितना आ गया, 36 जूल। नीचे कितना आ गया 2 ओम पे, वी स्क्वायर बाय आर इनटू टी, फॉर्मूला वुड बी द सेम, 6 स्क्वायर बाय 2 इनटू 1, तो कितना बनेगा, दिस वुड बी 18 जूल। नीचे क्या आएगा, वी स्क्वायर बाय आर इनटू टी, फॉर्मूला वुड बी सेम, 6 स्क्वायर बाय 3 इनटू 1, तो 36 बाय 3 कितना बनेगा अपने पास, 12 जूल। बट टोटल कितना बनेगा अपने पास, तीनों का सम, दैट इज 36 प्लस 18 प्लस 12, तो प्लस कर लो कितना बनता है, 18 और 12 को ऐड किया 30 और 36 का बनेगा 66 जूल। पिछले वाले में नोट कर लो वो चीज, जरूरी है, वी स्केयर बाय आर स्केयर फॉर्मूला नहीं है अपने पास, फॉर्मूला जो होता है वो होता है v square divide by r, ठीक है, v is equal to ir से ही निकाला था, r की कोई पावर नहीं होती, या तो होएगा h is equal to i square r t, मतलब या तो r मल्टीप्लाई में होएगा करंट के साथ, या फिर r होगा डिवीजन में वोल्टेज के साथ, बट r का स्केयर नहीं होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला सही होती तरीके से नोट करो, अभी एक्स वाई जेड अपना नाम भी बता दो, मेरे माइंड में भी आ जाता है कौन सा बच्चा ये। अभी ये क्वेश्चन क्लियर, तो याद रखना है, अगर हमने किसी भी सर्किट में से मैक्सिमम, नोट कर लो, आउटपुट लेनी है पावर की, तो सारे सर्किट को कनेक्ट करेंगे हम पैरेलल, अगर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो मैक्सिमम पावर आउटपुट मिलेगी, अगर सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो कितना मिलेगा, मिनिमम मिलेगा, ठीक है। पैरेलल में क्या मिलेगा, मैक्सिमम, सीरीज में क्या मिलेगा, मिनिमम। इसीलिए अपने घर के जितना सर्किट होता है सारी चीजें पैरेलल में कनेक्ट होती है, कोई भी सीरीज में कनेक्ट नहीं होता। बेसिकली अपना पॉइंट ये बनता है कि जितना पीछे से पावर आ रही है उसको हमने मैक्सिमम यूटिलाइज करना है। मैक्सिमम यूटिलाइज करने से क्या मतलब है, कि हम अपने पास जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं सारे इंडिपेंडेंट हो और उसके साथ अपना मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो पावर का, तो उसके लिए क्या करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन है, सिंपल है, बट टेढ़ा मेढ़ा क्यों, डायग्राम थोड़ी सी ऐसी है, 2 ओम है, 6 ओम, 12 ओम। आज क्लास के बाद मेरे को याद करवा देना, ग्रुप में मैं नोट्स भी डाल दूंगा, ठीक है। हमने फाइंड करना है, फाइंड पावर अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टेंस, हमने 12 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस पावर की वैल्यू को फाइंड करना है, करके देखो कैसे बने करेंगे।
सबसे पहले वोल्टेज को फाइंड करो, 12 वोल्ट से अपने पास कितनी पावर बनती है, 12 वोल्ट से अपने पास कितनी वोल्टेज ड्रॉप बनता है अक्रॉस 12 ओम। कंप्लीट करो पहले इसको, सर्किट की नेट रेजिस्टेंस फाइंड करो। तो नेट रेजिस्टेंस कैसे आएगी अपने पास, 6 एंड 12 आपस में क्या है, पैरेलल में है, तो 6 और 12 पैरेलल में क्या बनेगा, 6 × 12 / 6 + 12। तो क्या बनेगा अपने पास, 6 × 12 / 18, 3 4, तो क्या बन गया, 4 ओम। अगर इसको हम ड्रॉ करते हैं, ये बनेगा 2 ओम, 4 ओम और 12 वोल्ट। तो 2 एंड 6 का कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, 6 बनेगा, ठीक है। तो नेट रेजिस्टेंस कितनी बनेगी, 6 ओम। बैटरी कितनी है, 12 वोल्ट की, तो V इज इक्वल टू IR लगाएंगे। वोल्टेज कितनी है, 12, करंट I, रेजिस्टेंस कितनी है, 6। तो अपने पास करंट कितना आ जाएगा, इट वुड बी 2 एम्पियर। तो करंट कितना आ गया सर्किट में, दैट इज 2 एम्पियर। करंट कितना आ गया सर्किट में, 2 एम्पियर। तो इस पर्टिकुलर डायग्राम में करंट मार्क करते हैं, तो करंट ऐसे होएगा 2 एम्पियर, ठीक है। तो 2 ओम के अक्रॉस कितनी वोल्टेज आएगी, 2 ओम के अक्रॉस होएगा I × R, दैट इज 2 × 2, 4 वोल्ट होगा 2 ओम के क्रॉस। ध्यान से देखो, इसके क्रॉस कितना होएगा, 4 वोल्ट। अगर 4 वोल्ट 2 ओम के क्रॉस है, तो 4 के क्रॉस कितना बनेगा, 2 × 4, दैट इज 8 वोल्ट। सभी को क्लियर ये? तो अपने पास 2 ओम के क्रॉस कितनी वोल्टेज आ गई, दैट इज 4 वोल्ट। 4 ओम के क्रॉस कितनी वोल्टेज आ गई, 8 वोल्ट। अभी 4 ओम किसका कॉम्बिनेशन है, 12 एंड 6 का, तो 8 वोल्ट 12 के क्रॉस भी होगा, 8 वोल्ट 6 के क्रॉस भी होगा, बिकॉज 6 ओम एंड 12 ओम आर इन पैरेलल। तो अपने पास 12 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल आया, दैट इज 8 वोल्ट। अगर 8 वोल्ट आ गया, तो पावर कैसे निकलेगा, V दिया हुआ है, R दिया हुआ है, तो क्या बनेगा, 8 × 8/12, तो कितना बनेगा, ये बनेगा 2 3, दैट इज 16/3, तो कितना बन जाएगा, इट इज आई गेस इतना ही बनेगा, 16/3, 4 2 8 8, यस इतना ही बनेगा, ये बनेगा 5.3 वॉट। तो 5.3 वॉट बन गया अपने पास पावर अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टेंस। क्लियर सभी को? सबसे पहले हमने 6 ओम एंड 12 ओम का क्या निकाला, पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाला। पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल के 6 ओम एंड 12 ओम का कितना आ गया, दैट इज 4 ओम आ गया, ठीक है। 4 ओम क्या आ गया अपने पास, दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। 4 ओम के बाद क्या बन गया अपने पास, 4 ओम एंड 2 ओम आपस में सीरीज में, दोनों का कॉम्बिनेशन बन गया 6 ओम। तो करंट कितना आ गया, 2 एम्पियर। करंट 2 एम्पियर आ गया, तो 2 ओम के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना आ गया, 4 वोल्ट। 4 ओम के क्रॉस कितना आ गया वोल्टेज ड्रॉप, 8 वोल्ट। 8 वोल्ट जो है 6 ओम एंड 12 ओम दोनों के क्रॉस सेम होगा, बिकॉज बोथ आर इन पैरेलल। पैरेलल में तो वोल्टेज ड्रॉप होगा। अभी 12 ओम के क्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप है, 8 वोल्ट। तो दोबारा देख लो, 12 ओम के क्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप है, 8 वोल्ट। तो इक्वेशन लगाती है V² / R, तो कितना बन गया, दैट इज 5.3 वॉट। क्लियर सभी को? बता दो मेरे को मैसेज करके। स्टेटमेंट क्लियर सभी को? कैसे किया, सिंपल क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चलो गुड, यस कल टेस्ट है, तैयारी कर लेना ढंग से, कल टेस्ट है भाई, तैयारी कर लियो अपनी। तो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, फाइंड, स्टेटमेंट लिख लो, पावर ऑफ हीटर required to raise the temperature of 2 kg water from 10 degree Celsius to 60 degree Celsius.
इन 4 मिनट्स, तो प्लस वन में जो कैलोरी मीटरी का किया हुआ है वो वाला लॉजिक लगेगा अपना। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, हमने पावर फाइंड करनी है हीटर की, जिसने पानी को हीट करना है, पानी को हीट करना है फ्रॉम 10 डिग्री टू 60 डिग्री सेल्सियस इन 4 मिनट्स, 4 मिनट में इसको करना है, और पानी की क्वांटिटी कितनी है, दैट इज 2 kg। तो सिंपल है, अपने पास ध्यान से देखो जो हीट का फॉर्मूला होता है वो होता है पावर इंटू टाइम, यही होता था। ठीक है, और हीट का फॉर्मूला क्या था, दैट इज एम सी डेल्टा टी। ये कहाँ से पता लगा, ये जनरलाइज फॉर्मूला है, जब हम किसी भी लिक्विड को, किसी भी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो उसको हीट करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, दैट फॉर्मूला इज गिवन बाय एम सी डेल्टा टी। सी क्या होता है अपने पास, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, पानी के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी होती है, वैसे होती होती है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, यही होती है सी की वैल्यू। एसआई में कितनी होती है, 4200 जाउल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन। ठीक है, यही वैल्यू हम एसआई में यूज करेंगे। तो सिंपल पी इंटू टी इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी है। पावर हमने फाइंड करनी है, टाइम है तो कितना मास कितना है, 2 kg। स्पेसिफिक हीट एसआई में कितनी होती है, 4200। टेम्परेचर चेंज कितना हो रहा है, 10 से 60 जा रहा है, तो चेंज कितना हो गया, 50। पावर का क्या बन गया, 2 × 4200 × 50 बाय टाइम कितना अपने पास, दैट इज 4 मिनट्स, तो 4 × 60 बन जाएगा। तो क्या बनेगा अपने पास, 0 से 0 गया, 6 से गया 70, 4 इससे गया 25, तो ये बनेगा 70 × 25, 50 × 35। तो इसको कैलकुलेट कर लो, जितना भी बनता है वही अपना आंसर है, 0 5 550 बन रहा है। यस, 550 वॉट। चेक कर लो, मेरे को या तो कैलकुलेशन में गड़बड़ लग रही है। कैलकुलेशन करो, मेरा दिमाग नहीं चल रहा कैलकुलेशन में, पहले बता देता हूँ मैं। तो अपने पास 70 × 25 वॉट आ गया, देख लो कितना बनता है इसका, 70 का आधा किया 35, 35 का आधा किया 17.5, 17.5 आंसर आएगा। कैलकुलेशन गलत है मेरी, यस 1750 बनेगा वॉट, यस अभी ठीक है। तो 1750 वॉट का अपने पास क्या बनता है, गीजर बनता है या हीटर बनता है जिसकी इतनी पावर है, यस 1750 बनता है। अच्छा क्वेश्चन क्लियर, एमसी डेल्टा टी क्या होता है अपने पास, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के थ्रू पानी को या किसी भी लिक्विड को गर्म करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्म। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा लेंथी होगा, फिर आपको फ्री कर देते हैं। तो क्वेश्चन लिख लो, पावर ऑफ हीटर इज 2500 वॉट एंड एफिशिएंसी इज 80%। फाइंड टाइम टेकन टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 10 kg वाटर फ्रॉम 5 डिग्री सेल्सियस टू 65 डिग्री सेल्सियस। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखोगे इजी है, लॉजिक यही लगेगा। ठीक है, लॉजिक क्या चलेगा अपने पास, हीट इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम व्हिच इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। सिंपल इस लॉजिक से फॉर्मूला निकालो, टाइम निकालना है इससे टाइम निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे क्या होगा अपने पास, एफिशिएंसी का लॉजिक लगेगा। 2500 की पावर है इनिशियल, तो एफिशिएंसी क्या होता है, पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट। तो अपने पास पावर आउटपुट फाइंड करनी, क्या आएगा, एफिशिएंसी इनटू पावर इनपुट। तो कितना आएगा, एफिशिएंसी है 80% और इनपुट पावर कितनी है, 2500, तो कितना बनेगा, इट वुड बी 2000 वॉट। तो अपने पास जो यूजफुल पावर है वो है 2000 वॉट। इस यूजफुल पावर को यहाँ पे यूज करना है, टाइम कितना आएगा, इट वुड बी एम सी डेल्टा टी बाय पावर। सभी को क्लियर कि हमने एफिशिएंसी को कैसे यूटिलाइज किया फॉर फाइंडिंग द यूजफुल पावर। ठीक है, साथ में नोट करते रहो, कुछ खास है नहीं इसमें। मास कितना है, 10 kg।
स्पेसिफिक पानी के लिए 4200 याद रखना पड़ेगा आपको, और टेम्परेचर चेंज हो रहा है 5 से लेके 65 तक, तो डिफरेंस कितना है, दैट इज 60। पावर कितनी है, 2000 वॉट। 1 2 3, 1 2 3, तो ये बन गया 0 6 1 2। तो टाइम कितना हो जाएगा, 1260 सेकेंड, अगर इसको निकालना है हमने, इसको अगर निकालना है हमने उस फॉर्मेट में, मिनट्स में, इसको सिंपली डिवाइड कर दो 60 से, ठीक है, तो अपने पास टाइम कितना आ गया, 1260 सेकेंड्स। सिंपल। तो कल पहले टेस्ट की तैयारी करो, ठीक है, फिर हम दूसरे वाला करेंगे। और ये चैप्टर इजी है, ढंग से समझ लेना, जितना करा रहा हूं उतना ही बहुत होगा आपके लिए। चलो आज के लिए इतना ही है, कल टेस्ट की तैयारी कर लेना।